दर्शकों, इस समय बात चल रही है कि संसद, नई संसद के उद्घाटन में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन विरोध कर रहा, कोई नहीं विरोध कर रहा है, और विरोध करने वाले के साथ कौन कौन है। विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि वहाँ पर दलित राष्ट्रपति, जिसे बहुत प्रचारित किया गया कि आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति को पहली बार, मतलब आदिवासी महिला को पहली बार राष्ट्रपति बनाया गया है, उन्हें उसका उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि वो प्रथम नागरिक है। ये मसला है, और इसी मसले को लेकर पक्ष और विपक्ष इस वक्त जो है बहुत तरीके से उस पर बहस हो रही है, तरीके से तो नहीं बट बहस हो रही है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कौन उसका उसके साथ है इस विरोध के, और कौन इसके साथ नहीं है। अभी कल ही बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आया, उसके बाद से बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप दलितों के बीच में भी, यानी कि बहुजनों के बीच में, जिस वर्ग की राष्ट्रपति को इसमें नहीं बुलाए जाने की बात है, उनके बीच भी जो है एक लंबी बहस चल रही है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिसे नहीं बुलाया गया, क्या उनकी तरफ से कोई किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया आई है। मसला ये है कि बाबा साहब भी ये कहा करते थे कि अगर गुलाम को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो वो बगावत करता है, मगर यहाँ तो एहसास भी है, पता भी है, नहीं बुलाया गया। इसके पहले भी नहीं बुलाया गया था, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जब उस संसद की नींव रखी जा रही थी, तब उन्हें नहीं बुलाया गया था, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा था, और कुछ नहीं कहते हैं लोग, क्योंकि वो उसी पार्टी से संबंधित है जिस पार्टी का इस वक्त देश में राज है, और वो जिस पार्टी ने उन्हें नहीं बुलाया वो भी उसी पार्टी के समर्थक हैं। अब ऐसे में उनके नहीं बुलाए जाने को लेकर जो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो कौन है, उसमें प्रमुखता से है कांग्रेस, और सभी चाहते हैं कि कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर तमाम पार्टियां बोले। अब यहां पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि बहन कुमारी मायावती भी कांग्रेस का साथ देकर इस विरोध में शामिल क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल सबके मन में इस वक्त है। अब ये बताएं कि भाई जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, क्या सबसे पहले उसे नहीं कहना चाहिए, उसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, वो खामोश है, और तमाम वो सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं जो जिनका उससे सीधा संबंध नहीं है, वो सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ उसके मुंह से तो कुछ भी नहीं निकल रहा, या पहले जिसके साथ अन्याय हो चुका है उसने भी अभी तक के किसी प्रकार की ऐसी प्रतिक्रिया तो इस मामले में नहीं दी है, तो फिर ऐसे में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा कुछ मामला नज़र आता है। और ऐसे में एक बात और भी है कि भाई इस वर्ग के साथ तो हमेशा से ये होता रहा है, इस वर्ग को हमेशा से जो लोग इस वक्त सत्ता, यानी कि राज सत्ता की तरह इस वक्त सब कुछ चल रहा है, एक बार फिर से आप महसूस कर रहे होंगे कि जैसे कोई राजा फिर से कोई राज करने आ गया हो, या फिर से कोई राजतंत्र का युग जो है वो शुरू हो गया हो, इस प्रकार की बात हो रही है। क्योंकि आप देख भी लें कि राजदंड, पहली बार राजदंड जैसा कोई शब्द जो है वो चर्चा में आया है। हो सकता है उस वक्त जब नेहरू जी, जिस वक्त आज़ाद हुआ भारत, जिसे हम आज़ादी कह रहे हैं, इसे अब साफ तौर पर सत्ता हस्तांतरण कहा गया, ये बात बहुत लंबे समय से वामन मेश्राम कहते आ रहे हैं कि सत्ता हस्तांतरण हुआ है, यहाँ पर आज़ादी नहीं मिली, तो ये जो सत्ता हस्तांतरण की बात उस वक्त हुई है, तो उस राजदंड में हो सकता है उस वक्त किसी ने राजदंड लाकर उन्हें दिया, लेकिन ये राजदंड कभी भी फ्रंट में नहीं रहा, ये हमेशा से म्यूजियम में या हो सकता है कहीं पर भी गुमनामी स्थिति में रहा। पहली बार ये राजदंड जो है ये चर्चा में आया है, तो चर्चा में आया ये राजदंड वो राजदंड है जिसके सिरे पर गाय का या नंदी का जो है वो चित्र बना हुआ है, उसमें मूर्ति बनी हुई है, और जबकि भारत का जो अशोक स्तंभ है जिसे राजमुद्रा हम कहते हैं, ये राजमुद्रा तो चार शेर वाला वो राजमुद्रा है, और उस राजमुद्रा की कहीं चर्चा नहीं हो रही है, तो स्थापित क्या हो रहा है, और फिर इस राजदंड की अब ज़रूरत क्या है, क्या सत्ता हस्तांतरण हो रहा है फिर से,
किसे जो राजदंड वापस सौंपा गया था, तो क्या वापस उस अंग्रेज के हाथों ही में जा रही है सत्ता, या फिर से सत्ता हस्तांतरण किया जा रहा है? क्या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फिर से नए राजदंड को लाकर वहाँ पे स्थापित करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये भी विचार का इस वक्त विषय होना चाहिए, लेकिन इस पर बातचीत नहीं हो रही है। अब कल की बात ले लें, गौरी शंकर बिसेन ये मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, और इसके साथ ही वो इस वक्त OBC जो आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो खुद भी बीजेपी से संबंधित है। वो एक कथा आयोजित करती है बीजेपी, जहाँ पर वही विवादास्पद जो बाबा है बागेश्वर धाम वाला, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, वो कथा कर रहे हैं इस वक्त बालाघाट में। और बालाघाट में उस कथा में जाने से गौरी शंकर बिसेन, जो कि पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व एक अच्छे ओहदे पर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन वो उस तबके से यानी कि OBC तबके से आते हैं, उन्हें उस कथा में घुसने नहीं दिया गया और उन्हें बाउंसर्स ने धक्के मारकर उन्हें और उनकी बेटी को बाहर निकाल दिया। तो क्या उन्होंने इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया दी? अन्याय उनके साथ हुआ है तो दूसरे लोग क्यों हड़बड़ा रहे हैं, दूसरे लोग क्यों चिंता कर रहे हैं, दूसरे लोग क्यों उस पर बातें कर रहे हैं? जिसके साथ उस पार्टी में वहाँ पर अन्याय होता है वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा, उन्हें तो वो अन्याय मंजूर है और वो उस गुलामी के साथ वो वहाँ पर जी रहे हैं और उन्हें वो पसंद है, क्योंकि उन्हें तो बस जो है वो हिंदुत्व या इस प्रकार की बातों से उन्हें मतलब है और वही सब उन्हें चाहिए और वो उन्हें मिल रहा है। और हिंदुत्व में तो ऐसा ही होता है कि जो शूद्र होता है, जो OBC होता है, उसे तो नीचे ही होना चाहिए, उसे बाहर ही होना चाहिए, उसे गद्दी पर या फिर मंच पर कैसे उसे बिठाया जाए। तो इसलिए उन्हें मंच से भी भगाया गया, उन्हें दरवाजे से भगाया गया, फिर भी उनके श्रीमुख से कुछ भी विरोध में नहीं निकल रहा है या उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जिन्हें राष्ट्रपति, जिस राष्ट्रपति को उस संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, वो कुछ भी प्रतिक्रिया वहाँ से नहीं आ रही है, उनके कार्यालय से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो इसका साफ मतलब है, और इसी वजह से नए राजदंड को वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, उस प्रतीक को, नए प्रतीक को वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि ये साफ तौर पर अब ये जाहिर हो गया है, अब ये खुलकर सामने आ गया है कि वाकई सत्ता हस्तांतरण, जो पहले संविधान की सत्ता थी, जो पहले यहाँ पर तमाम जो लोकतंत्र यहाँ पर हुआ करता था, अब वो नहीं रहेगा। ये साफ साफ ये संकेत है, ये हम सब लोगों को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और मायावती जी ने तो ये समझ लिया, और उन्होंने हो सकता है इसलिए इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रही हैं, लेकिन वो इस कार्यक्रम का और उनके नहीं बुलाए जाने का विरोध भी नहीं कर रही हैं। हालांकि वो उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी, लेकिन सवाल तो यही है कि उन्होंने इस कार्यक्रम का विरोध क्यों नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, ये सवाल ऐसा है कि कांग्रेस ने चूंकि इस विरोध की शुरुआत की, तो हो सकता है इस वजह से वो इस विरोध में वो शामिल नहीं हो रही, क्योंकि जब जब मायावती जी ने बहुत सारे मुद्दों पर किसी मामले को उठाया है, तो वहाँ पर क्या इन 40 पार्टियों ने साथ दिया है, तो फिर वो क्यों दें, ये भी सवाल है। तो इन तमाम सवालों पर हमें उस तरह से समझना चाहिए, लेकिन बेसिक मुद्दा यहाँ पर यह है कि इस नए सत्ता हस्तांतरण की ज़रूरत क्या है। और मसला ये भी है कि भाई जिसके साथ अन्याय हुआ पहले वो तो बोले, बाद में हम सब बोलेंगे। आप अपने विचार बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भाई जिसके साथ अन्याय हो रहा है, यानी कि जो ग़ुलाम है उसे क्या एहसास है ग़ुलामी का, और अगर नहीं है तो वो जागेगा कैसे? आप चाहे लाख चिल्ला लो। अब आपको बताइए, आप ही बताइए कि इस मसले में महत्वपूर्ण क्या है, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसका बोलना या हम सबका बोलना? जब तक जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसकी गवाही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर वो नहीं बोल रहा तो हमारे बोलने से फ़ायदा क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद।